कि धमकियां आ रही है ना बजड़ा किसी तहरीक दे कारकुन नु पनाह भी देवेगा सारी हिट लिस्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है बेड़ा जो है इन्हू पनाह देवेगा उनकी भी जायदाद जब्त कर ली जाएगी उनके भी पर्चा होएगा उनके भी यह हो जाएगा उनके भी यह हो जाएगा होना वो ही जरा मंजूर खुदा है होना वो ही बस देखो हूँ जल्द सर की तकसीम हो गई ना तो खौली बिन यजीद जिन्होंने हजरत सैयद शहदा शैन चाहे करबला तीर मुबारक तीर मारिया कल मुबारक के उत्ते इन सिर इन हिस्से हजरत इमाम आले मकाम का सर मुबारक आया इन दो होर आदमी भी सन तो जिस वक्त लैके चलिया ना इनका घर कूफे के करीब से लेकिन शाम का वक्त ज्यादा हो गया सी इन्हें क्या बे गवर्नर हाउस का दरवाजा बंद हो गया है तो मैं हूँ अपने घर चलना जिस वक्त अपने घर पहुंचा ना तो जांदियां इसने की किया हजरत सैयद शहदा शैन शहे करबला का सर मुबारक अपने घर के तनूर के अंदर रख दिता तनूर समझते हो तंदूर जिन तुम कहते हो तंदूर के अंदर रख दिता जल्द तंदूर के अंदर रखा ना सर सर मुबारक तो जा अपनी बीबी के कोल बैठा जी उनकी बीबी सी सुबहान अल्लाह मैं कुरबान जावा वह बड़ी हुबदार सी हले इनकी बीवी बड़ी होबदार सी हले बैद की अल्लाह अकबर कबीरा बड़ी प्यार करने वाली सी तो पूछा भाई किधर गया से इन्हें दिन तू है जर रहे हैं घर तेन पता कोई नहीं भी घर भी साढ़ा कोई है तो कह लगा हूँ देखो जरा तवज्जो नाल जुमला सुनना तो कह लगा हुसैन पाक आ यजीद का एक बंदा बागी हो गया सी नकले कुफर कुफर नबाश चौदहवीं सदी अंदर भी किताबा लिखिया जा रही हुसैन पाक के खिलाफ ए लफज जरा खौली बोलता पे जिहड़ा खौली बोलता पे उही लफज अज भी किताबा दे अंदर मेरे कोल किताबां पईयां ने अज किताबां अंदर लिखा गया जनाब ओ ते नौज बिल्ला ते उन्हां ते सल्तनत वास्ते कीता उन्हां ते जनाब बादशाहत वास्ते कीता तख्त ताज वास्ते कीता मैं एक जुमला पढ़ना जे तुसी जागदे हो ते सारे नहीं हली तुसी थोड़े जे जागदे हो बाकी पता नहीं ए ना होवे तुसी अगले जुमे ते जागो जरा हुण जाग के बोलो तो मैं एक जुमला पढ़ देवां कुरान पाक जो आया ना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा एड़ा आखिरी लफ्ज़ होंदा ना वयुतहिरकुम तत्हीरा इंदा मतलब ए वे कि अल्लाह ने अहले बैत पाक दे हर हर फर्द नूं इंज पाक कीता है कि उन्हां दे दिल विच दुनिया दी मुहब्बत रखी ही नहीं मुहब्बत नहीं रखी पढ़ दी थी यानी कि दुनिया की मोहब्बत उन्हें दिल पाक अहले बैत तहार दी जिहड़ी है ना मोहब्बत वो अल्लाह की रखी है रसूल की रखी है दुनिया की मोहब्बत रखी ये अहले बैत की शान है अगर ये मनिया जाए माज अल्लाह तख्त वास्ते गए ताज वास्ते गए सल्तनत वास्ते गए तो फिर कुरान की इस ऐत के खिलाफ जाता है तो हुसैन भी हो तो कुरान के खिलाफ भी जाए हुसैन भी होवे तो कुरान दे खिलाफ जावे इंज वाली गल नहीं बल्कि गल यही है कि जिधर जिधर कुरान है जिधर जिधर इस्लाम है उधर उधर हुसैन पाक ते यही वजह से ओ हुबदार सी बीबी जिले इसने क्या जी मैं यजीद दे माज़ अल्लाह एक बागी नाल लड़न वास्ते गया सी रात का टाइम हो गया उसने खाना दिता खाना दे के जनाब ये भी सौ गया वह भी सौ गई तो उठी तहज्जुद वास्ते ओ औरत जिहड़ी हुबदार अहले बैत सी उठी किंदे वास्ते तहज्जुद वास्ते उठी जिले तहज्जुद वास्ते उठी ना तंदूर जिथे उसने हजरत इमाम अली मकाम का सर मुबारक रखा सी उस तंदूर वाली जगह से लखा शमा बलदिया पईयां की बलदिया पईयां जगह रोशन इंज आसमान तो नूर जा रहा है जमीन तो आसमान वाल जा रहा है आसमान तो जमीन तो आसमान वो बड़ी हैरान हुई बड़ी परेशान हुई तो कह लगी अजब गल है समझ नहीं आती पई ना मैं तंदूर बालिया है ना मेरी किसी आंडन गवांडन ने तंदूर बालिया ये बालिया कौन हो समझ नहीं आती पई हाँ है तो जिस वक्त वो करीब आई ना रब ने सारे परदे हटाए उनकी अखा तो हिजाब ला दिता जल हिजाब लाया ना उनकी अखा तो हिजाब ला दिता तो उसने की देखा है चार बीबियां चार बीबियां जड़िया उस तंदूर के इर्द गिर्द बह के रो रही अखा नाल रोना मना नहीं अल बुकाओ मिनर रहमा
अखा नाल रोना यह रहमत की अलामत हुंदा है। सानू जिहड़ा शरीयत च मना किया गया वल कराहो मेरे शैतान, फरमाया शैतान वाला अमल ना करिया जे, मुस्तफा वाला अमल, शैतान वाला अमल ना करिया जे बल्कि मुस्तफा वाला अमल करिया जे। मुस्तफा वाला अमल की अखा नाल आंसू छम छम तू बहा, कोई मना नहीं। लेकिन हजूर ने फरमाया बाकी शैतान वाला अमल करी ना, जेड़ा शैतान वाला अमल करेगा फरमाया लैसा मिन्ना, मैं मुस्तफा दा उंदे नाल कोई तल्लक, फरमाया लैसा मिन्ना, फरमाया साडे विचों नहीं, साडा उंदा कोई तल्लक नहीं। हुण तंदूर ते इर्द गिर्द चार बीबियां आंसू बहा रही हैं, कितनी बीबियां? चार बीबियां, चार औरतें आंसू बहा रही हैं। हजरत जी मकम जले आंसू बहा रही हैं ना, तू अगे बदी ते फिर जिहड़ी ओह जले चार बीबियां आंसू बहा रही हैं, एक औरत अगे बढ़ी, उसने अपना हाथ मुबारक तंदूर दे विच पाया, तंदूर दे विच पा के ते सर मुबारक नूं सरे हुसैन नूं बाहर कढ़िया, चुमिया, प्यार कीता, आख्या ए मां दे मजलूम पुत्र, ए मां दे शहीद पुत्र, कल क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला तेरे कातलां कोलों मेरा इंसाफ लवेगा, कल हशर दे दिहाड़े अल्लाह इंसाफ लवेगा तेरे कातलां को, अल्लाह इंसाफ फरमावेगा। तो जिस वक्त ये होया, प्यार होया, प्यार कर लैन तो बाद औरतां ने सर मुबारक फिर तंदूर च रखिया, रखने तो बाद वापस चलिया गईया, तो वह जी है सी ना हुब्बे अहले बैत रखने वाली औरत, वो अगे करीब आई, करीब आके ना जिस वक्त वेख्या भी ये सरे हजरत इमामे अली मकाम है, क्योंकि काफी दफा उसने हजरत इमामे अली मकाम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की थी, जिमें सर मुबारक वेख्या तो गश खा के डिग गई, आख्या ओह गजब खुदा दा, ये तो हजरत इमामे अली मकाम नवासा मुस्तफा दा सर मुबारक। बस मैं अपनी गुफ्तगू नु खत्म करना, इतो गुफ्तगू अगले जुमे स्टार्ट करांगा, लेकिन एक जुमला याद रखा जे, ना यजीद का वो सितम रहा, ना ज़ियाद की वो जफा रही, रहा तो नाम हुसैन का, बोलो रहा तो नाम, बोलो रहा तो नाम, फिर बोलो रहा तो नाम, फिर बोलो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है कर